वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जेआरएस मंत्रा। आई एम रजनीश। आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे आपके फिफ्थ सेमेस्टर जो अपकमिंग बैच है उसके बारे में। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट के, जो क्वेरी हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। फिर हम लोग फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स्थ सेमेस्टर लेटरल एंट्री का जो स्टार्ट होने वाला बैचेज उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले तो मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस, आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में प्रमोटेड हो चुके हो। काश इस बार मौका मिलता है एग्ज़ाम देने का। श्योर है कि टॉपर हम ही लोग के इंस्टीट्यूट से होता है। बिहार का जो स्टेट टॉपर है वो कोई ना कोई होता है, वो हम ही लोग के इंस्टीट्यूट से होता है। मौका तो मिस कर गए हो, फिफ्थ सेमेस्टर में हम लोग कोशिश करेंगे बेस्ट करने का, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि फोर्थ सेमेस्टर का क्या करें। ये फोर्थ सेमेस्टर में तो आप लोग प्रमोटेड हो चुके हो। फोर्थ सेमेस्टर में ध्यान से समझना, एटलीस्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स, और इसके बाद एक सब्जेक्ट है सॉइल मैकेनिक्स या जियोटेक बोलते हैं, सॉइल मैकेनिक्स। ये तीन सब्जेक्ट को आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। आपका जो भी फोर्थ सेमेस्टर का थोड़ा बहुत जो सिलेबस बचा हुआ है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। वो जितना जितना भी टॉपिक बचा हुआ है वो कंप्लीट होगा, और इसकी वैलिडिटी है वो जनवरी तक रहेगी, 31 जैन तक, ठीक है। हम लोग 31 जैन 2022 तक इसकी वैलिडिटी रखेंगे, यानी आप 21 जनवरी 2022 तक फोर्थ सेमेस्टर के जितने भी कंटेंट है आपको अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। आप फिफ्थ सेमेस्टर में कहीं भी एडमिशन लो, इट डजेंट मैटर, आपने फोर्थ में एडमिशन लिया था इसलिए फोर्थ सेमेस्टर का आपका वो वैलिडिटी है वो 31 जनवरी तक रहेगी 2022 तक। ये चीज यहां तक समझ में आ गई आपको। और जो फिफ्थ सेमेस्टर में स्टूडेंट एडमिशन लेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना, जो फिफ्थ सेम में एडमिशन लेंगे उनको फोर्थ सेमेस्टर का 31 जनवरी तक फ्री कोर्स दिया जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा कि जो न्यू स्टूडेंट आएंगे उनको फोर्थ सेमेस्टर का अभी जो कोर्स है वो फ्री अवेलेबल कराएंगे, और जो पुराने स्टूडेंट हैं उनका जो वैलिडिटी है 31 जनवरी तक रहेगा। पूरा सिलेबस आपका 31 जनवरी तक आपको वैलिड रहेगा, वहां तक देख लेंगे। ये समझ में आया। ये जो फिफ्थ सेमेस्टर है, फिफ्थ सेमेस्टर का जो वैलिडिटी रहेगा वो हम लोग अप्रैल तक रख रहे हैं, ठीक है। मान लो कि आपका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर तक हो जाता है, कुछ स्टूडेंट है वो एग्ज़ाम के बाद भी रिवीजन करना चाहते हैं, तो फरवरी मार्च अप्रैल ये तीन मंथ हम लोग रखेंगे फिफ्थ सेमेस्टर का वैलिडिटी, वहाँ तक वो वैलिड रहेगा। और ये फोर्थ सेमेस्टर 31 जनवरी तक। देखो अगर हम कंपेयर करें कि फोर्थ सेमेस्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिफ्थ, तो देखो जो जा चुका है उसको छोड़ दो, वैसे अगर कंपेयर करोगे तो फोर्थ सेमेस्टर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इट वाज द बैकबोन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग का एक बैकबोन था, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा तो मिस नहीं हुआ है, जो चला गया उसको छोड़ दो, उसको पीट कर कोई फायदा नहीं है, ठीक है, मतलब इसको बार बार याद करने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़े हो आपके लिए पॉजिटिव ही है, ठीक है। अब हम लोग फिफ्थ सेमेस्टर में देखते हैं। फिफ्थ सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। एक है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, हाईवे इंजीनियरिंग और इरिगेशन। ये 5 सब्जेक्ट हैं। ये 5 सब्जेक्ट में बोल सकते हो कि सारे सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है, आप किसी को इग्नोर मत करना, बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर सेमेस्टर एग्जाम। हम लोग सेमेस्टर के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सारे जो सब्जेक्ट हैं उसका वेटेज 100 मार्क्स है, ठीक है। और एक चीज़ देखें, स्टूडेंट का पता नहीं एक नाम ले लिया जाता है SSC JEE और उसमें आपका खून खौल जाता है। अरे देखो ध्यान से समझो, SSC JEE हम लोग को क्यों प्रिपरेशन करना चाहिए, वाई शुड बी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर SSC JEE। हम लोग SSC JEE का प्रिपरेशन क्यों करें? देखो SSC JEE का प्रिपरेशन आपको इसलिए करना चाहिए कि एक अच्छा एग्ज़ाम है, एक अच्छा एग्ज़ाम है, एक टफ एग्ज़ाम है, आपको इसको क्लियर करोगे तो आप प्राउड फील होगे, ठीक है। इसको सुनकर पागल नहीं हो जाना है। पहले तो ये समझो कि आप जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए जितने भी सब्जेक्ट हैं अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका SSC JEE का प्रिपरेशन नहीं होगा क्या? SSC JEE में आपको क्या करना होता है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना होता है और कुछ कन्वेंशनल क्वेश्चन यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है वो करना होता है। तो सेमेस्टर के एग्ज़ाम में आपको दोनों प्रिपरेशन करा दिया जाता है, यानी स्पेशल कोई SSC JEE का प्रिपरेशन नहीं होता है कि स्पेशली SSC JEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव जितना ज़्यादा आप बनाओगे, जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाओगे उतने नज़दीक पहुँचते जाओगे SSC JEE के लिए। ये कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसका कोई हाइप बनाया जाए, ठीक है। तो अगर इसको अगर हाइप बनाओगे तो UPSC का क्या होगा, ठीक है। एक यूपी एकदम पागल हो जाता है स्टूडेंट जब भी नाम ले लिया जाए SSC JEE का। फिर से बोल रहे, बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं है। दोज हु नो मी, जो हमको जानते हैं वो पता है कि अब मतलब क्या मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और कौन कौन सा एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, ठीक है। यहाँ पे शो ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम अच्छा पढ़ाते हैं तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है, और अच्छा नहीं पढ़ाते हैं तो कौन सा एग्ज़ाम क्लियर करके आए हैं, कहाँ से पढ़ के आए हैं, क्या मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, सब इनवैलिड हो जाता है, ठीक है। तो कभी भी किसी भी लेक्चर में हम अपना
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या व्हाट आई हैव अचीव्ड, इसके बारे में कभी भी डिस्कशन नहीं किया है, बिकॉज कंटेंट मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ना कि मेरा बैकग्राउंड। ठीक है, तो बाबू जो यूपीएससी एग्जाम है, अगर आपको हाइफी बनाना है तो आप यूपीएससी का बनाओ, आईईएस का बनाओ, ठीक है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का बनाओ, अच्छा करना है गेट का स्कोर अच्छा लाओ, बीटेक करने का सोचो, ये जीएटी गेट ये एसएससी जेई के पीछे पागल पागल होने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझ लो, कुछ कुछ आपको हम डेटाज है वो शेयर कर रहे हैं। देखो 1000 सीट होता है बाबू, ठीक है, 1000 सीट होता है पूरा एसएससी जेई में, ठीक है, 1000 सीट होता है पूरा का पूरा एसएससी जेई में, ठीक है, और 1000 सीट में 29 स्टेट है इंडिया का, वो मतलब मान लो कि वैलिड है, 29 स्टेट है वो एग्जाम, मतलब 29 स्टेट के स्टूडेंट है वो एग्जाम में बैठेंगे। अच्छा 100 सीट में से कुछ सीट मैकेनिकल का रहता है, कुछ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का रहता है, कुछ सिविल का रहता है, एवरेज उठाकर देखोगे तो आपको 600 के आसपास सीट रहेगा, हर बार 600 सीट रहता है, ठीक है, आप इसको 29 से डिवाइड कर दो, 29 से डिवाइड कर दो, ठीक है, देख लो कितना नंबर आता है, हमको नहीं लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 20-25 आएगा, ठीक है, 30 के अराउंड आएगा, 3 × 2 = 6, ठीक है, मतलब 2 और एक यहाँ पे आ जाएगा 0, तो 0.6 के अराउंड आएगा, मतलब हर स्टेट से 20 के आसपास मतलब स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, 20 के आसपास, मान लो बिहार में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, बहुत अच्छा है, तो इसमें 3 गुना स्टूडेंट होगा पूरा बिहार से सेलेक्ट, तो मान के चलो कि 66 स्टूडेंट है वो बिहार से सेलेक्ट होता है, मात्र 66 स्टूडेंट, लेकिन अगर आप सेमेस्टर का अच्छे से प्रिपेयर करते हो, मार्क्स अच्छा ले आते हो, तो आपको बिहार के, देखो पिछले 1-2 साल से लगभग 6000 वैकेंसीज आया है, ठीक है, हर साल 6000 के आसपास वैकेंसी आया है, डिफरेंट डिफरेंट PhD में आया होगा या वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में, बहुत ज़्यादा सीट आया है, ठीक है, और सब है वो सेमेस्टर के मार्क्स पे बेस्ड है, तो आप लोग सेमेस्टर का प्रिपरेशन अच्छा से करो। देखो जब सेमेस्टर का प्रिपरेशन अच्छा से करोगे, होता क्या है कि स्टूडेंट पढ़ना शुरू करता है उसमें एनर्जी उसका बहुत ज़्यादा हाई होता है, जैसे जैसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं एनर्जी लो होने लगता है, उस एनर्जी को मेंटेन रखो, ठीक है, आप अपना एक रूटीन बनाओ कि हम थ्योरी भी पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव भी बनाएंगे, आपको बुक भी बना दिया गया, एक डिसिप्लिन के साथ नहीं पढ़ोगे ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, डिसिप्लिन, चलो इस पर थोड़ा हम लोग डिस्कशन करते हैं कि डिसिप्लिन के लिए हम लोग बार क्या करने जा रहे हैं, मतलब होता है ये तो समझ में आ गया, फोर्थ सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है उसको आपको पढ़ना है और 31 जनवरी तक होल सिलेबस पूरा सिलेबस आपको मिलेगा। अब यहां पे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जैसे डिसिप्लिन कैसे मेंटेन रखे, पढ़ते हैं मोटिवेशन चला जाता है, बार बार पढ़ते हैं सर अच्छा लगता है, मतलब 4-5 लेक्चर देख लेते हैं एक दिन में और 5ों का नोट्स बना लेते हैं तो सब कुछ अच्छा हो जाता है, बाद में ये फिर हम लोग मोटिवेशन छूट जाता है, धीरे धीरे चीजें भूल जाते हैं, तो इस बार जो हम लोग करने जा रहे हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेज में, ध्यान से समझना, हम बोल रहे हैं कि ऑफलाइन जो क्लास होगा यानी क्लासरूम प्रोग्राम होगा और ऑनलाइन जो प्रोग्राम होगा, ठीक है, दोनों में एक चीज जो करने जा रहे हैं वो वीकली टेस्ट होगा, ठीक है, हर वीक में आपको टेस्ट लिया जाएगा, संडे हर संडे को आपको टेस्ट देंगे, ठीक है, मतलब टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे, जो ऑनलाइन स्टूडेंट है उनको 100 रुपीज चार्ज कर देना पड़ेगा, 100 रुपया एक बार में टेस्ट के लिए देना होगा, ये ऑप्शनल है, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, जो ऑफलाइन स्टूडेंट होंगे उनको हर मंथ 100 देना होगा, ठीक है, ऑफलाइन आते हो तो 3 महीने में अगर सिलेबस कंप्लीट होता है तो यू हैव टू पे 300 रुपीज, ठीक है, और ऑनलाइन का ये जो फी है टेस्ट का फी, हम बोल रहे हैं बाबू टेस्ट का फी है वो 100 रुपीज रहेगा वन टाइम, इसके लिए स्पेशल हम लोग एक टीम बना रहे हैं जो सिर्फ टेस्ट कंडक्ट करवाएगी, होता क्या कि मैनेजमेंट करने में सब्जेक्ट को पढ़ाने में समय नहीं मिल पा रहा था इसलिए टेस्ट नहीं ले पाए थे, ठीक है, तो पहले तो ये समझ लो कि हम लोग हर संडे को टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे इस समय, ताकि आप लोग डिसिप्लिन में बने रहो, ठीक है, जो ऑफलाइन होंगे उनको ऑफलाइन जो क्लास में आएंगे उनको आना होगा क्लास टेस्ट देना होगा और 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 100 to 200 के बीच में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रिपरेशन करवाएंगे, कर लो मतलब इतना कर लो, इससे ज़्यादा क्या आपको सिलेबस चाहिए एसएससी जेई के लिए, और जो ऑनलाइन स्टूडेंट होंगे उनको वन टाइम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर पेपर मेरा खर्च नहीं जाएगा, यहाँ पे प्रिंट करने का खर्च जाएगा, जो स्टूडेंट ऑफलाइन आएंगे उनको प्रिंटेड पेज पे टेस्ट देना होगा और जो ऑनलाइन स्टूडेंट होंगे उनको गूगल फॉर्म पे या ऐप पे ही, ठीक है, ऐप पे ही हम लोग टेस्ट को कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है, तो 100 क्वेश्चन का आपको जाएगा हर संडे को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का सेम ही क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। अब देखो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर और एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, इसको मैं पढ़ा रहा हूँ रजनीश, ये दो सब्जेक्ट रहेगा, डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर है ये सावन सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसको सावन सर पढ़ा रहे हैं, और ये दो सब्जेक्ट है हाईवे और इरिगेशन है, इसको आपको जितेश सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है,
जितेश सर पढ़ा रहे, ठीक है। इसमें कोई किसी को कोई डिस्कशन करना होगा तो आप कॉल कर लेना, ठीक है, 9874232569। अननेसेसरी कमेंट मत करना सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो मतलब डिस्कशन करना है क्या करे क्या नहीं करे, मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड कॉल कर लेना इस पे, या 8797286737। आप इस नंबर, ये दोनों मेरा ही नंबर है, आप कॉल कीजिएगा, जो भी डिस्कशन करना होगा सब्जेक्ट को किस तरह से कैसे कौन सा बुक है, ये कौन सा बुक है ये तो आपको टीचर बता देंगे। जितेश सर आपको हाईवे इंजीनियरिंग और इरिगेशन के लिए कौन सा सब्जेक्ट, मतलब ये सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक बेस्ट है वो बता देंगे। डिजाइन ऑफ स्टील के लिए जो भी सावन सर आपको प्रीफर करे वो आप कीजिए, मतलब जो जिस भी सब्जेक्ट से वो पढ़ा, जिस भी बुक से पढ़ाना चाहें आप उस बुक को फॉलो कीजिए, ठीक है। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, टॉस और एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, ये दो बुक के दोनों बुक के लिए सब्जेक्ट का जो डेमो लेक्चर जाएगा उसमें बता देंगे। थ्योरी के लिए आप रामम रूथम का बुक लीजिएगा और एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के लिए बी एन दत्ता का बुक ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बारे में हो गया। देखो दो सब्जेक्ट इस बार इसलिए लिए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि इस बार आपको समय दे पाए। पिछले बार हुआ था फोर्थ सेमेस्टर में कि हम कॉल रिसीव नहीं कर पा रहे थे, मतलब ऐसा हुआ था कि 50% कॉल रिसीव करते थे और 50% कॉल रिसीव कर ही नहीं पाए थे, तो यहाँ पे एक मतलब क्या बोले सपोर्ट का थोड़ा कमी लगा था, इसलिए सब्जेक्ट हम कट किए हैं, ठीक है। एक ही सेमेस्टर है और इसके अलावा कोई सेमेस्टर है भी नहीं मेरा ऑनलाइन के लिए, सारे सेमेस्टर के ऑलरेडी वीडियो लेक्चर बन चुके हैं, तो और कहीं लेक्चर बनाना है भी नहीं। और जो भी आपको लेक्चर जाएगा वो रिकॉर्डेड फॉर्म में जाएगा, बहुत सारे यूनिट है हम लोग ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रख चुके हैं, हम लोग के पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर है वो आपको दिया जाएगा, साथ ही साथ एडिशनल लेक्चर भी हम लोग देंगे। और ऑनलाइन जो है वो आप लोग को डॉट क्लियर का करने का इस बार मौका देंगे, पूरा दिया जाएगा, आप लोग स्टूडेंट खुद मिलकर एक बार एक टाइम डिसाइड कर लेना, शाम में या मॉर्निंग में आपको मतलब बोल सकते हो कि अल्टरनेट डेज पे हम लोग डॉट क्लासेज रखेंगे जहाँ पे आपको जितना भी डॉट होगा वो कवर करेंगे गूगल मीट पे या जूम ऐप पे, ठीक है। स्क्रीन शेयर करके कोशिश करेंगे पूरा, जो देखो जितना भी चीज़ बता रहे हैं ना वो होगा इसीलिए बता रहे हैं, कुछ आपको ऐसा चीज़ हम मतलब हाइप नहीं बना रहे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे आपको ये मिल जाएगा पूरा न्यूक्लियर बम आपके अंदर डाल देंगे कहीं पे जाओगे एक्सप्लोर कर जाओगे, वैसा नहीं, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है जो हम कर सकते हैं वही बताएंगे। फोर्थ सेमेस्टर का आपको जनवरी तक वैलिडिटी दे रहे हैं, फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन लेने पे जो न्यू स्टूडेंट होंगे उनको फोर्थ सेमेस्टर का कोर्स फ्री में दिया जाएगा। टेस्ट के लिए हम लोग एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे ₹100 फॉर लाइफ टाइम, या बोल सकते हो फॉर द सेमेस्टर पीरियड, आपको ऑनलाइन के लिए और ऑफलाइन के लिए ₹100 पर मंथ, ठीक है, देना पड़ेगा। ऑफलाइन में अगर आते हो तो ₹100 पर मंथ टेस्ट के लिए। फी कितना रहेगा, ऑफलाइन का फी है बाबू वो रहेगा ₹6000 पर मंथ, गर्ल्स के लिए डिस्काउंट है 10%, बॉयज़ के लिए कोई डिस्काउंट नहीं है, 10% गर्ल्स के लिए डिस्काउंट है, ठीक है। ऑफलाइन का फी है वो ₹2500 है, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, ठीक है, इतना समझ में आया। ग्रुप में एडमिशन लेने पे ये 2500 में कुछ डिस्काउंट मिलेगा, यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं है, 6000 में कोई डिस्काउंट नहीं है, ठीक है, 10% सिर्फ गर्ल्स के लिए, ठीक है, ये समझ में आ गया। जो स्टूडेंट हैंडीकैप हैं, ठीक है, अगर वो हैंडीकैप हैं और उनके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल होना चाहिए, वीडियो कॉल करेंगे उनके पेरेंट्स से बात करेंगे, दोज हु आर हैंडीकैप उनका फ्री में यहाँ पे हम लोग देंगे क्लासेस, ऑनलाइन में आओ चाहे ऑफलाइन में आओ, ठीक है, उनको फ्री क्लासेस दिया जाएगा। तो अपने स्टूडेंट को आप ये इन्फॉर्म कर दें फ्री क्लासेस मिलेंगे उनको, और जिनके पेरेंट्स नहीं है, ठीक है, यानी फादर नहीं है, वो भी आप कॉन्टैक्ट कीजिए, उनका भी फी कम किया जाएगा, ये इतना हम कर देंगे। हाँ, लेकिन जो हैंडीकैप है उनका फुल 100% डिस्काउंट दिया जाएगा। हाँ, ये बता देते डेट कब से हम लोग का स्टार्ट होगा फिफ्थ सेमेस्टर का, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर एली दोनों का जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 18th of September, ठीक है, 18th September 2021 हम लोग का स्टार्ट करें, 18 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। ऑफलाइन आपका होगा 7 AM मॉर्निंग से लेकर 9 AM तक होगा, फर्स्ट क्लास स्टार्ट होगा, राजीव नगर रोड नंबर 3, एड्रेस है वो लिख देंगे हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एड्रेस आपको लिखा हुआ रहेगा। और जो ऑनलाइन क्लासेज हैं उसका कुछ डेमो पहले लेक्चर जाएगा और डेमो आप क्लास ले सकते हैं, एटलीस्ट 1 वीक आप डेमो क्लास लीजिए, उसके बाद ही आपको पेमेंट देने का मौका मिलेगा या पेमेंट के लिए कुछ बोलेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और, ये जो ऑफलाइन जो फी होगा आपको 6000 नहीं पे करना है, आपको ये जो पे करना है वो ₹2500 ही पे करना है, ₹2500 पे करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर पूरा का पूरा ऑफलाइन हो जाता है तो हम लोग पूरा 6000 फी लेंगे, अगर नहीं हो पाता है तो हम लोग ₹2500 में ही आपको कन्वर्ट कर देंगे ऑनलाइन में, ठीक है। तो ऑफलाइन में आइए, पूरा 6000 नहीं पे करना है, 2500 पे करो, 2500 पे करने के बाद क्लासेस स्टार्ट करो, पूरा अगर हम लोग ऑफलाइन कंप्लीट कर देते हैं तो रिमेनिंग पैसा है वो भी लिया जाएगा, ठीक है, जो भी ₹3500 के आसपास बचेगा तो ₹3500 लिया जाएगा आफ्टर 1 मंथ।
ठीक है, क्योंकि हो सकता है इट मे पॉसिबल कि ऑनलाइन एक बार फिर से आपको ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दे, यहाँ पे लॉकडाउन हो जाए, तो इन सब बातों को ध्यान में रख के आपका पूरा पेमेंट नहीं लेंगे। और टेस्ट है वो 100% होगा, हर संडे को होगा। और टेस्ट जो हम लोग कंडक्ट करवाएंगे वो पहले आपको फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस को हम लोग करवाएंगे, पहले MOS मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स और सॉइल मैकेनिक्स, ये तीन सब्जेक्ट, उसके अलावा एक एडवांस सर्वेइंग। ये चारों सब्जेक्ट का एटलीस्ट ये चार सब्जेक्ट का हम लोग टेस्ट देना होगा आपको, हर संडे टेस्ट होगा। उसके बाद जैसे जैसे यूनिट वाइज होगा तो हम लोग टेस्ट इसका भी कंडक्ट करवाते जाएंगे, जितना भी टॉपिक कवर होगा उसका आपको टेस्ट देते जाना है हर संडे को 100 क्वेश्चन का। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी, कोई प्रॉब्लम होगा आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, ऑलरेडी आपको नंबर यहाँ पे आपके पास होगा नंबर, ठीक है। तो 18th of September से 7 मॉर्निंग के सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक फर्स्ट आपका क्लास होगा राजीव नगर रोड नंबर 3 में, ठीक है। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई, कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी आपको पूछना होगा तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।